अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दिस इज योर बॉय दाऊद अहमद। तो अभी बिखरा बिखरा पड़ा हूँ, और सबसे पहले तो आपको और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपके रोज़े कबूल करे और आपकी दुआएं कबूल करे, और जो दुआएं आपने किसी ने मेरे लिए की हैं वो तो सबसे पहले कबूल करे। सो जो मैंने गेम लगाई है, एक जिम गया था और मेरी बैक में बहुत ही सीरियस किस्म की ना इंजरी हो गई है। कल से मैं बेड रेस्ट पे था, आज थोड़ा उठाऊँ तो अभी नमाज के लिए जाना है। अगर तो बैठने के लिए जगह मिल गई बैठ के नमाज पढ़ने के लिए तो वेल एंड गुड, नहीं तो ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो टाइम शॉर्ट है, मैं रेडी हो लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। और ईद का दिन है, बड़ा अच्छा दिन है, और कोशिश करते हैं कि प्यारा सा एक व्लॉग बन जाए। और एक दफ़ा फिर मेरी तरफ़ से आपकी और आपकी फैमिली को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो अभी जल्दी से नहा लेते हैं, साथ बने रहिए। जी नहा के तो मैं आ चुका हूँ। अब सबसे मुश्किल काम जो है मेरे पास है दो ड्रेस। अब दोनों में से कौन सा पहनना है मुझे, ये चूज करना। एक मेरे पास है लाइट, ये ब्लू है, और एक ये फरिश्ता। वैसे भी आपका भाई शरीफ इंसान है, वाइट पहनेगा तो अंत किस्म का शरीफ लगेगा, ब्लू पहनने का शरीफ तो लगेगा लेकिन वाइट पहन के अंत का शरीफ लगेगा। तो अभी सोचते हैं, करते हैं इसका कोई हल। अकड़ बकड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 इस पे आए यार, 100 इस पे आए, लेकिन मेरा दिल थोड़ा सा ना वाइट वाले की तरफ। खैर अभी ब्लू पहन लेते हैं, आगे भी दिल किया तो वाइट पहन लेंगे, ठीक है। आगे सोना ही है, करना क्या है मैंने। खैर जल्दी से तैयार होता हूँ और आपको मिलता हूँ, चलते हैं सीधे मस्जिद। देखो मस्जिद जाकर क्या बनता है। मैं तो लेट हो गया, कुछ बंदे ऐसे ने नमाज पढ़ी ही नहीं। पढ़िए पढ़िए बाबा, पढ़ नहीं, मेरे सामने आके थे बैग देख रहा था। अच्छा लेट हो गया भाई साहब, बाहर अच्छा सारी गल छो, देखो नमाज पढ़ रहे त्यार मेरे यार, देखो बंदा नहीं ऐसा बंदा ईद मिलने आया, ईद मिलने का भी मजा आना। शाका साड़ा मक्खन, मक्खन साहब कब्रस्तान है जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं करना। चलिए तो छो, करो क्योंकि एडे वे भरमान ने फोन च नहीं आने। माशाल्लाह एडा मुंह ईद मुबारक कहने भी दो दिन लग जाते। जुत्ती मैं लैन ना यार, है देखो माशाल्लाह माशाल्लाह अज कल एक्चुअली कब्रिस्तान मेरा भाई। हां वही पार्टी की गल कर रहे हैं फिलहाल से। भलवान जी क्या व्यूअर्स को बताना चाहे, भलवान जी मैं ना एक वीडियो सोची है, वो मैं तुम्हें चैलेंज करना करना खान का बट साहब मैं एक स्लॉट मैं हाजिर मैं हां के आप साहब मैं चैलेंज देना करना खान का। वो बेवकूफ है, तू तो बड़ा बड़ा नहीं व्यूअरशिप ब्रो, अपना ही बंदा खा लेगा परेशानी नहीं होगी। नमाज वगैरह हो गई, अब बारी अपनी जेब खर्च देने की, बच्चों को ईद देने की। अब बच्चों को ईद देते हैं और फिर मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से नमाज पढ़ी है, कमर तो मेरी बस रह गई थी। दाऊद ले जी सबको मिलके ईशित बांट के, वला आलम जेबे खाली, बिल्कुल फ्लैट हो गया आपका भाई। तो अभी जाते हैं फिर अपने लिए भी कुछ निकल आते हैं। हमने क्या ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया, वड्डी तो वड्डी छाल मार के रोटी खा लेंगे जरा रोज़ वाला साल। खैर बच्चे खुश हो गए हैं, जब हम छोटे थे ना तो हमें कोई ईद देने आता तो हम बड़ा खुश होते थे। बाहर से ईदियाँ आती थी, अभी भी आई है मेरी ना बाहर से, भाई ने भेजी है, तो ये वैसे खुशी होती है एक अलग ही। नहीं तो वैसे जैसे बंदा मेच्योर होता है ना, उसकी इसकी खुशियाँ जो है ना उस वैसे वैसे कम होती जाती हैं। खैर अभी जैन लोग के साथ जा रहा हूँ मैं बाहर को, फोटो शोटो बनानी है हमने, वो आ रहे हैं मेरे पास। आज बड़े दोस्त आएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, गपशप होगी, बैठेंगे तो आपको सबसे मिलवाएंगे आज।
वीडियो में बने रहें, और वीडियो तो वैसे कल ही आएगी, खैर देखते हैं क्या होता है। पास और एक बड़ा ही संगीन किस्म का मसला बन गया हुआ है, और अली भाई हमारे एक बड़ी खुराफाती जुत्ती पहन के आए वो आपको दिखाने जा रहे हैं, तो अब मैं फ्लैश लाइट ऑन कर लूं फिर दिखाता हूं। अच्छा तो बस ना मुझे पहले इस बात का जवाब दे की सोच के तू चप्पल पाई है, फिर बाद जवाब यार बुदी पसंद ना आई तो मैं उना किधर से लिया अबू ने सुनो कसूर लेके आई ए मामा कसूर पाने वाली जुत्ती है ए देखो की पाया रक्षे गुजर हो गए टी शर्ट शे पाई दी हद हो गई कसूरी जुत्ती वो पागला खान साहब पांदे ने अपने खान साहब अपने इमरान खान साहब तू तो तरीके लबेगा मैं शॉपर बल्कि छड़ गया पै जुत्ती दे की सोच के जुत्ती पाई जो के मारे चेहरे मुरे माशाल्लाह ज़ैन भाई प्रोटोकॉल देना सी यार तेरे जे मेरी टिकट लेना सर होंगे इन पास जुत्ती दा हल दस मैं यार जुत्ती नहीं सही खंजीर लड़के हम ज्यादा हो गए थे उबर मंगवाई हमने बंदा आ गया उबर वाला तभी अभी बस हम निकलने लगे ड्राइवर कितनी देर में हम डिपार्चर करेंगे मैं साहब आइए जरा कपड़े पहन के नहीं यार तो साहब क्रीम ला लियो बाहर उबर मंगवाई होंदे क्रीम ला तो गया देव साहब उबर ड्राइवर कैसा गाड़ी सही है उबर बेहतरीन हां बस बिजनेस क्लास कराइए ना तुम जरा परेशानी ना होए मैं जरा बाऊ जहेब साहब आए रे अच्छी गाड़ी तो लेके जाना तू ये गॉइस अली भाई ने नई गाड़ी ली है चेक करें जरा टीवी भी आई है स्लो ब्राउन दे मेरी मुंह में के हो जाए गाइस का लेंटर भी खुल जाता है ये देख करोड़ों रुपए की रबड़ नहीं लाई रबड़ लगी पाकिस्तान असि बदल नहीं सकते जो मर्जी हो जिन्ना मर्जी रुपया आईए असि बदल नहीं सकते जो मर्जी हो जाए ले जी कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं मैं ना दुकानदार ने मैं भी नहीं किया रंग और भेज रहा दर्जी ने भी शर्फ दर्जी ने भी शर्फ नहीं खाती सीते ढोल कितने ने वैसे तुम्हारे सूट लैन जाओ ना भाई भी कहता है डुको मैं तुम्हें होटल को खाना मैंने उन्हें भी नहीं किया जे बिग बॉस सैंडविच मतलब के क्यों खा रहे हैं अमीर अमीर फील है हां सुबह सुबह सैंडविच खा रहे हैं का अमीर वाली फील है यार मैं तेनु क्या ही कोई मेनू नान चले खवा कोई समझ नहीं जैन को आपने क्या लिया पीने के लिए हां मैं जिसका नाम आता हमने वो ही लिया सैंड बहुत सुना फड़ाता ही है ना आज मैं ये है ना पीने शाय वो ले दी जी तो भाई तो बस ₹34 बिल बने है इनु मैं क्या को 500 हो लिया मु आधा घंटा वॉक करने दे कार्ड को लो जी मंजूरी मिल सकती है आओ सैंडविच खाते हुए चलो असी भी खा लिए फिर मिलने हैं।
ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸ਼ਕਲ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦ ਤੱਕ 14 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਆਉਣ ਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹੈ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਪੈਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਤਕਾਫ ਝੂਠੇ ਅੱਜ ਪਰਸੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਾਈ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਏ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ तो अभी खाना वाना हमने खाया तो थोड़ा फोटो वगैरह जो बनानी थी हमने एक दो बना लिया तो अभी हम जा रहे हैं जरा सदर की तरफ थोड़ी देर बैठेंगे फिर घरों में चलेंगे तो भाई ये अमीर आदमी एक बैठा हुआ पीछे इसके पास था चौगा पर दिखाना जरा फोन हाँ ये इसके फोन की मेहरबानी है वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि एड्डी सोहनी फोटो आएगी लेकिन फोन ने कमाल करता वाकई ये एप्पल एप्पल है तो अपना सारे एक दफा यार ईद मुबारक कहना है 3 2 1 3 2 1 ईद मुबारक लव यू माशाल्लाह तकरीबन हम कोई पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे घूम रहे हैं बाद में ईद है ना ईद की खुशी है तो भाई और पहली बार गड्डी लभी करो ठीक है ते अपना बाहर साडा माहौल है सारा भाज चेक करो देखो जी ये दे शूट हो रहा है यहाँ पे देखो जी सियालकोट की वहां में स्पेशल गर्मी जी तस्वीर खिंचन लगी ले जी अब हम आ गए घर तो बारी बारी इनको सबको उतार रहे हैं ये ओके गाइस अस्सलाम वालेकुम जी भाई ओके जी अल्लाह हाफिज़ कोट के दा ओके अल्लाह हाफिज़ कोट के थोड़ा जा माफी मांग ले हम चलो भाई बड़ा पगा पे ओके जाओ 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 थैंक यू मेरा स्टॉप थोड़ा सा आ गया वो चिट्टा डाला देख रहे हो वो बिल्कुल आप फ्रेश है मल नवाले है मलदार हम भी लेंगे इंशाल्लाह एक दिन ले जी टाइम आ गया अली भाई का अल्लाह हाफिज़ लो बॉस जब भी पाओ ओके फिर अल्लाह बराबर मिलते हैं फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो गाइस दुख की बात ये है कि जो मैं जब आया हूँ ना घर जब अली मुझे उतार के गया तो एक दो काम करके तो मैं सोया हूँ और मैं तकरीबन 1 बज गया था 1 बजे के बाद मैं सोया हूँ तो मैं जाके उठा हूँ तकरीबन 10 बजे तो दुख इस बात का कि मेरे ईद का दिन ज़ाया हो गया और खुशी इस बात की कि नींद बड़ी मुझे गई और मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आई हुई थी दोस्तों की जो मिलते हैं हम सारे तो वो भी कोई सीन नहीं तो अभी का पता कोई नहीं शायद अभी हम बैठ जाएं तो रिस्क नहीं मैं ले सकता आपको वेट नहीं करवा सकता और इस व्लॉग को मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एंड किया जाए तो अभी घर के लिए खाना वाना लेके आए उठ के गालियाँ खा खा के खुद फिर इनको खाना ला के दिया तो अभी खाना वाना खाता हूँ और फिर से मैं अपना जो रूटीन है मेरी उस हिसाब से तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इसको एडिट करना है कल तक मैंने अपलोड करना है और कल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा एक और व्लॉग बनाने की तो दुआओं में याद रखें अपना ढेर सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़।